कोरोना के काल में जलगांव शहर में कोरोना वायरस को छोड़कर शायद कोई और काम नहीं हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अब जब बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो सड़क पर गड्ढों ने सबकी हवा खराब कर दी है। ये दृश्य सोमवार के हैं, हाईवे के करीब के, जहां गड्ढे में अचानक बाइक का पहिया चला गया और माताजी सड़क पर पानी में गिर गई। इन्हें कितनी चोट लगी ये तो कुछ देर के बाद जब वो संभल जाएंगी तब पता चलेगा, लेकिन ये सोचिए कि अगर यहां कोई पीछे से गाड़ी आ रही होती तो इन माताजी का क्या होता। यही नहीं, शहर में सभी जगह हर तरफ अब गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, और बारिश के समय में जब इन गड्ढों में पानी भर जाता है तो गड्ढा है या नहीं, या फिर ये गड्ढा कितना बड़ा है ये पता ही नहीं चलता। मनपा अभी कोई काम नहीं कर रही है सिवाय कोरोना वायरस से लोगों को निजात दिलाने के लिए, लेकिन उधर ध्यान देने की बजाय कुछ ध्यान तो शहर में और समस्याओं पर देना ही होगा। गाड़ी पानी गड्ढे पानी साचल होता गाड़ी गलत दिखल नहीं डायरेक्ट खाली आम्मी दोगी जन खाली पड़ो। अशा परिस्थिति में कहीं तरी व्यवस्था अत्यंत चिंताजनक है ही, जर कहीं काम व्यवस्थित लवकर पाइजे महानगरपालिका सामना की एक चिंताजनक घटना है आज आम सोबत जल काल कोणासोबत होईल ये तुम्हें व्यवस्था सुव्यवस्था लवकर लवकर व्यवस्थित करावी। मनपा का ध्यान सड़क के गड्ढों की समस्याओं की तरफ ले जाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, और शहर में शिवसेना भी मनपा को नींद से जगाने के लिए एक मोर्चा लेकर मनपा पहुंची। शिवसेना के कई कार्यकर्ता इस दौरान वहां मौजूद थे और मनपा के अधिकारियों और पार्षदों को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि अब नींद से जागने का समय हो गया है, आप भी उठ जाइए। यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, फिर भी जलगांव में लगातार शिवसेना को मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जलगांव में यह भी दिखाई देता है कि शिवसेना के दो गुट हैं, जहां अलग अलग लोग आंदोलनों में मौजूद होते हैं। जब यहां ये लोग ही एकमत नहीं है तो फिर मनपा पर प्रेशर कैसे बना पाएंगे। देखना है कि शिवसेना के इन सब प्रयासों के बाद मनपा कितना ध्यान दे पाती है और रास्तों को गड्ढों से निजात कब मिल पाती है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।